हेलो गायज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे तो गाय जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीएफ की इनिशियल टेस्ट चल रहे हैं और हमारे एक्सपीरियंसिस की सीरीज चल रही है एक्सपीरियंसिस की वीडियोस अपलोड करने का मकसद यही होता है कि आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए और ये कि एम सी क्यूज़ काफ़ी रिपीटेड होते हैं और जो भी बच्चे टेस्ट देकर आते हैं उनका यही कहना होता है कि इनमें से काफ़ी एम सी क्यूज़ रिपीट हुए थे तो चलो चलते आप अपनी वीडियो की तरफ आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है मैग्नेटिक इंडक्शन इन करंट कैरेट सोलिनोइड इज डैश आंसर है यूनिफॉर्म क्वेश्चन नंबर टू है इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग विच लॉ आंसर है फेरडे लॉ क्वेश्चन नंबर थ्री है इंडक्टेंस इज मैय इन डैश आंसर है हेनरी क्वेश्चन नंबर फोर है इन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर द आउटपुट इज ऑलवेज डैश आंसर है लेस देन इनपुट क्वेश्चन नंबर फाइव है टू कंस्ट्रक्ट अ स्टेप डाउन अ ट्रांसफॉर्मर आंसर है वी एस इज इज लेस देन वी पी क्वेश्चन नंबर सिक्स है ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस चार्ज एंड मैक्सिमम चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर एट टी इज इक्वल टू आर एस आर सी इज डैश आंसर है सिक्सटी थ्री पॉइंट टू परसेंट क्वेश्चन नंबर सेवन है फोटो कॉपीज इज एप्लीकेशन ऑफ डैश आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चन नंबर सिक्स है आइजोथर्मल प्रोसेस विच रिमेन्स कंस्टेंट आंसर है टेम्परेचर क्वेश्चन नंबर नाइन है इफ़ द मैस ऑफ ड्रॉपलेट बिकम्स हाफ दैन थर्मल विलोसटी बिकम्स डैश आंसर है वन बाई फोर टाइम्स क्वेश्चन नंबर टेन है विच वन डजेंट वर्क ऑन रेजोनेंस पेनोमिना आंसर है टी वी ए सी रेडियो एंड माइक्रोवेव क्वेश्चन नंबर एलेवन है सर्कुलर मोशन इज प्रोड्यूस ड्यू टू डैश आंसर है सेंट्रीपीटल फोर्स क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है वेवलेंथ ऑफ माइकल सन्स इंटरपियरेंस एट रेजोनेस इज डैश आंसर है एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी क्वेश्चन नंबर थर्टीन है रेजोनेंट सर्किट इज डैश आंसर है प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन आंसर है एन एम माइनस वन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है नफीसा इज प्रेड डैश स्पाइडर आंसर है ऑफ तो ये इंग्लिश के पोर्शन का क्वेश्चन है प्रपोजिशन का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है ही इज गुड डैश फुटबॉल आंसर है एट तो सेंटेंस बनेगा ही क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है सिनोनेम ऑफ वील्ड आंसर है एग्जर्ट तो सिनोनेम का मतलब होता है सेम वर्ड्स और एंटोनेम्स का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड्स क्वेश्चन नंबर एटीन हैस्ट्रॉप आंसर है डिस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है सिनोनेम ऑफ डिस्ट्रेन आंसर है स्कॉन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है सिनोनेम ऑफ पेरेगो आंसर है अ कन्फ्यूज मिक्सचर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है सिन ऑफ कंडोन आंसर है एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है एज द मार्केट बिकम्स डैश कंपेटिटिव सम कंपनीज विल मेक लार्जर प्रॉफिट्स आंसर है मोर तो गाइस फिजिक्स में जो ज़्यादातर एम सी क्यूज आते हैं वो फार्मूलाज होते हैं यूनिट्स होते हैं डायमेंशनज होते हैं इसके अलावा जो फेमस लॉज है जैसे कि होक्स लॉ फेराडेज लॉ और इसके अलावा जो फेमस कंस्टेंट्स की वैल्यू है जैसे कि जी की कंस्टेंट वैल्यू है इसी तरह आपके सामने राइट वर्क कंस्टेंट की वैल्यू आ सकती है इस तरह की अगर बेसिक सी चीज़ें आप लोग कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग आसानी से अपना टेस्ट क्लियर कर सकते हैं इसके अलावा इंग्लिश के पोर्शन में जो ज़्यादातर एम सी क्यूज़ आते हैं वो प्रपोजिशन से आते हैं उसके अलावा सेंटेंस कम्पलीशन से आजकल काफ़ी ज़्यादा एम सी क्यूज आ रहे हैं उसके बाद सिनोनिम्स आते हैं फिर एंटोनिम्स के एम सी क्यूज़ आते हैं फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स वाले आते हैं और उसके बाद एंड पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के भी कुछ एम रिपीट होते हैं इसके अलावा जो लोग एरानोटिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए मैथ्स का पोर्शन भी शामिल होता है तो मैथ्स के पोर्शन में अगर आपको फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बेसिक कंसेप्ट पता है मैथ्स के बारे में और जो बेसिक फार्मूलाज है इसके अलावा जो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर है वो अगर आपको अच्छी तरह से आता है फार्मूल वगैरह और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक के पोर्शन से भी काफ़ी एम रिपीट होते हैं और काफ़ी एम के आने के चांसेस हैं तो ये अगर कुछ बेसिक चीज़ें आप लोग कर लेते हैं तो इन आपका टेस्ट आसानी से क्लियर हो सकता है इसके अलावा चैनल पर कंप्लीट एक्सपीरियंसिस की वीडियोस भी अपलोड है अगर आप लोग खाली एक्सपीरियंसिस की वीडियोस देख कर ही टेस्ट देने चले जाएँ तो इन आपका टेस्ट अच्छी तरह से आराम से क्लियर हो सकता है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है वैल्यू ऑफ जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डैश आंसर है मैथ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है माइक्रोस्कोप इज यूज टू स्टडी डैश आंसर है सेल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू डैश आंसर है एल क्रॉस डब्ल्यू यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है नाइन एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स प्लस सिक्स फाइंड दैल्यू ऑफ एक्स तो हमारा आंसर होगा नाइन एक्स में से फाइव एक्स को माइनस कर देंगे इज इक्वल टू सिक्स आ जाएगा फोर एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स आ जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू सिक्स डिवाइडेड बाई फोर आ जाएगा तो टू पे डिवाइड कर देंगे दोनों को टू थ्री ज़ार सिक्स आ जाएगा और टू टू ज़ार फोर आ जाएगा तो एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो थ्री बाई टू होगी इसी तरह आपके सामने आ, और भी बेसिक से क्वेश्चन आ सकते हैं याद रखिएगा कि टेस्ट में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए आप लोग का टाइम वेस्ट करने के लिए दिए जाते हैं तो आप लोगों ने उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना अगर वो आपको आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर ले। लेकिन अगर वो नहीं आता तो आप उनको या तो स्किप कर ले या ख़ुद से आंसर लगा ले क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपके टाइम वेस्ट के लिए होते हैं आपने टेस्ट के दौरान टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी ख्याल रखना है स्पेशली इंटेलिजेंस पोर्शन के दर दरमियान क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है मीडियम ऑफ अ कैपेसिटर इज डैश आंसर है डाई इलेक्ट्रिक क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है एन ऑफ कंपोर्ट आंसर है ऑपरेशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन है शी सफर डैश अ हर डाइसीज तो ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन है इंग्लिश के पोर्शन में से तो सेंटेंस बनेगा शी सफर फ्रॉम अ हर डाइसीज यानी कि जो ब्लैंक में आंसर आएगा वो होगा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर थर्टी है ग्राफ अंडर द डिस्टेंस टाइम रिप्रेजेंट डैश आंसर है वेलोसिटी। तो गाय आज की वीडियो यही तीन। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी तरफ़ से आने वाली इस इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और हर जगह मिलता रहे और अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाई जाए तो आप लोग वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी तो गायज़ आज की वीडियो पर एंड करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज़ अपना ख्याल रखिएगा गुड लक थैंक यू गायज़